वंस अगेन हम लोग वापस से एक खुशी को सेलिब्रेट करने आए हैं और बैक टू बैक बिकॉज आई एम शूटिंग सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग एंड लास्ट टाइम भी गुना के लिए आए थे तस्वीर के लिए आए थे बट दिस टाइम इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हमारा गाना सेलिब्रेट किया एंड जितनी मेहनत से बनाया है उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस गाने को बनाने में स्पेशली बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरी सोल्जर विच आई से एंड मतलब जब हम लोग शूट कर रहे थे तो दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड बिकॉज क्योंकि मुंबई में रेड अलर्ट था और दैट टाइम वी वर शूटिंग एंड इंडोर आउटडोर शूट करना तो मेरी टीम आई एम फॉर्चुनेट एंड जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा गाने या फिल्म नहीं करता मैं हमेशा फैमिली बनाता हूँ तो चाहे आप लोग हैं चाहे सब हैं एंड एवरी प्रोजेक्ट आई डू आई ऑलवेज ट्राई टू मेक फैमिली तो अगर फैमिली बन जाती है तो एक टीम वर्क हो जाता है और अगर टीम वर्क हो जाता है तो काम जो होता है वो पिकनिक की तरह मुझे फील होता है तो ये गाना आ रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे पे एंड ऑलरेडी ऑडियो आ चुका है हमारा ओ वतना वे इतना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे मनन भाई ने इसको कंपोज किया है एंड बहुत प्यारे तरीके से गाया है हमारे सिंगर ने आई विश के ये बहुत ज़्यादा चले यार क्योंकि क्या है कि एज एन एक्टर ना आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें या समथिंग मैंने एक ऐसे ही एपिसोड किया था Z5 का और फिर एक मैं दोस्ती के साइड इफेक्ट एक सपना चौधरी के साथ फिल्म की थी मैंने उसमें लास्ट में मैंने IPS का कैरेक्टर किया था तो आई मीन समथिंग मेरा एक डायलॉग था कि यार कभी हमें कुछ मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे देश के लिए तो ये कुछ मुझे मौका मिलता है एज एन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो अगर भाई साथ हो जाते हैं लोग साथ हो जाते हैं तो मैं बहुत खुश मतलब आई एम लाइक वेरी मच फॉर्चुनेट एंड लकी यू नो कि अगर मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे टीम ऐसी मिल जाती है क्योंकि लास्ट गाना गुना के साथ मैंने गुना गाना किया था भाई के साथ तो मुझे इनका एक्टिंग कैपेबिलिटी समझ में आ गई थी सो मुझे लगा कि यार ये गाना जो है उसमें जान तो सिर्फ यही डाल सकते हैं तो वी कोलैबोरेटेड एंड वर्क टुगेदर एंड रक्षिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है मुझे एक्चुअली बताता हूँ बिकॉज वेन आई शूट एज अ डायरेक्टर वेन आई गो ऑन द एडिटिंग टेबल आई गेट सो मच ऑफ गुड फुटेज यू नो उसमें से काट के मुझे 5 मिनट का 4.5 मिनट का गाना निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी सीन चाहे इमरान भाई ने किया हो चाहे रक्षिका ने किया हो चाहे मैंने एक छोटा सा सीन किया है वो किया हो तो उसमें हर एक चीज़ को निकाल के लेके आना और वो 4.5 मिनट में सब कुछ दिखाना इट्स वेरी डिफिकल्ट और आपको आपके पास ऐसा होता है एक तरफ पिज़्ज़ा है एक तरफ बर्गर है हम क्या खाएं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट येस आई ट्राइड माई बेस्ट रेस्ट तो आप ऑडियंस बताइए कहानी बात हो क्या कहानी फिर आपने स्टूडियो पे सी मैंने और भाई ने डिस्कस की थी बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम भोपाल एंड मेरे एल्डर ब्रदर भी हैं अभी ओमान में रहते हैं तो हम लोगों का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था रिगार्डिंग टू डू समथिंग पेट्रियाटिक एंड सॉन्ग और अ मूवी इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग अनदर फिल्म ऑल्सो टुगेदर तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस की थी तो जो वन लाइनर था वो मुझे इमरान भाई ने बताया था कि कुछ ऐसा ऐसा वी कैन क्रिएट एंड देन आई सैट विथ हिम आई वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन प्ले क्योंकि मैं डायरेक्शन के साथ राइटिंग में भी आ जाता हूँ इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो वो किया फिर हमारा मैंने सेम टू सेम नरेशन हमारे मनु भाई को बताया हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको कंपोज किया तो फिर जब बोलते ना कि मैं चला अकेला और फिर धीरे धीरे कारखाना छोड़ता गया तो वही होता है मेरे साथ में एंड यही है ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की और मेरे पेरेंट्स की इमरान भाई आप क्या कहेंगे सर गाने के बारे में जैसा आप लोगों ने देखा इट्स रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मच बहुत ऊपर है और इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू शूट दिस सॉन्ग स्पेशली जैसे जुबैर ने मैंशन करा कि बहुत हेवी रेंज थी हाई अलर्ट था इवन मैं अनफॉर्चुनेटली उस टाइम बीमार था तो आई वॉज जस्ट टेकिंग पेन किलर्स मेरी सारी टीम को पता है तो एक लिमिट होती है पेन किलर खाने की मुझे हाई फीवर था और मैं बस पेन किलर खाता था हर आधे घंटे बाद और शूट के लिए रेडी होता था और इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल इट वॉज अराउंड 16 आवर्स नॉन स्टॉप शूट वी स्टार्टेड इन आफ्टरनून So we started around 1:30 or 2 p.m. and the final call from Zubair that wrap up was 5 a.m. 5 a.m. जी अच्छा सवाल है बिल्कुल और बस ये जैसे मैंने कहा जुबैर एक इसके अंदर एक जादू है क्या मेहनत है मैं मतलब आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हमारा दिन भर डिस्कशन चलता है बातें होती हैं मेरे सजेशंस भी होते हैं और मैं क्योंकि थोड़ा सा
भाई हूँ तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके इससे बात कर लेता हूँ, हालांकि मेरा डायरेक्टर है, रिस्पेक्ट हिम टू मच। तो हम लोगों के बहुत डिस्कशंस हुए और बैक टू बैक हम लोग इसी प्रोजेक्ट में थे, मेरे पास और भी काम अभी बैक एंड पे हैं, लेकिन पिछले 6-5 दिन से हमने सब कुछ स्टॉप करके रखा हुआ है और इट वॉज लाइक अवर ड्रीम प्रोजेक्ट। आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल माई कॉलीग्स, स्पेशली जुबैर इज देयर, अपार्ट फ्रॉम देयर रक्षिता डिड अ वेरी गुड जॉब एंड शी वॉज फैंटास्टिक आई मस्ट से, ऑल्सो माई क्रिएटिव हेड क्रिएटिव डायरेक्टर प्राची, शी वॉज ऑल टाइम इन्वॉल्व। जैसे मैंने कहा बहुत हैवी सॉन्ग था, बारिश हो रही थी, बीमार थे और बहुत लंबा सीक्वेंस था, बट द एनर्जी शी वॉज शोइंग वॉज अल्टीमेट। और मेरी जो मदर का रोल करा शी वॉज लाइक नाउ इन्होंने सही में मुझे बेटा बना लिया। शी सेड जब भी मुंबई आओ तो कहीं नहीं जाना, यही घर है तुम्हारा। और जो मेरे बॉस बने थे ही ऑल्सो डिड एंड और कास्ट है जो अभी स्टेज पे नहीं है, सो आई मस्ट रियली अप्रिशिएट एवरीवन फॉर देयर नाइस एफर्ट्स एंड सिंसियर एफर्ट्स। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, आप कैसे बोर्ड पे आए और गाने के बारे में? फर्स्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज एज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, एज एन आर्टिस्ट इट इज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ सच प्लेसेस एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड द इंडियन आर्मी और ऐसे गाने का अगर मैं पार्ट बनी हूँ तो इट इज़ रियली ग्रेटफुल टू मी। हमने आई मेट जुबैर फॉर द सॉन्ग, उन्होंने बताया था ऐसे ये सारा प्रोजेक्ट है एंड दिस इज़ योर रोल, आई वाज लाइक आई विल बी रियली हैप्पी टू परफॉर्म, उन्होंने कहा पूरा इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट। एंड जब ये शूट होने वाला था उसके एक दिन पहले आई हैड दिस आई इशू, तो आई on a workshop, I always do workshop one day before, right? So continue. So I went to the workshop, मैंने इनको फ़ोन किया, मेरी आँख गई, कहते नहीं 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 तू आ, ठीक है। मैं वहाँ पर पहुँची एंड मेरी आँख उन्होंने देखी थोड़ी देर, कह रही चल जाएगा रिहर्सल कर, दो मिनट बाद वो ऐसे दूर के ऐसे देख रहे ये कैसे चलेगा। And I must tell you one thing about Rakshika. कि when she was there वर्कशॉप के टाइम पे शी वॉज यू नो वॉज रेडी टू बैक आउट फ्रॉम द सॉन्ग एंड शी टोल्ड मी दिस थिंग, यार तुम किसी और को कास्ट कर लो, मेरी आंख में इशू है, समथिंग लाइक दैट। आई थॉट लाइक दैट एंड द फर्स्ट टाइम फ्रॉम एनी एक्टर हु इज रेडी टू लीव द सॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट एंड शी इज थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, तब तो मैंने कहा कि नहीं अब तो मैं तुम्हें ही लूंगा, ठीक है नहीं हम कुछ भी करेंगे, आई विल शूट लाइक दिस। बिकॉज मेरी आँख इतनी रेड और सोलन हो गई थी, इट वॉज इन हॉरेबल स्टेज, जो उसमें उन्होंने कट्स डाले ना उसके अंदर थोड़ा मैनेज हो रहा है विद द ड्रॉप्स एंड एवरी, इट वॉज इन अ हॉरेबल स्टेज। तो मैं उनको देख रही थी, सब डर रहे थे मुझे देख के, कम्प्लीटली रेड हो गई थी, तो विद आई ड्रॉप्स उसको वाइट करके एडिट करके शूट करा। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे रिप्लेस कर दो, कह रहे नहीं तेरा हाथ जाए आँख जाए कुछ जाए करना तो नहीं है, इट्स माई कमिटमेंट टू यू मैन ऑफ रोल्स। मैंने कहा अगर इतना कमिटमेंट है, देयर इज सो मच ऑफ हार्ट इन द सॉन्ग, देन इट इज द बेस्ट पीस आई एम वर्किंग एंड आई एम ग्लैड, दैट इज व्हाई एम ग्लैड टू बी हियर। पाछी जी आप क्या कहेंगे? एक आई अगेन ओके रेडी हां, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, स्पेशली जुबैर, आवर एक्टर्स, को एक्टर्स, एवरीवन विश यू आर वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। ये जो सॉन्ग है दिस इज़ समथिंग एल्स, मुझे जैसे एक नॉर्मल कॉल आया था कि देर इज़ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, मैंने बोला ओके ठीक है, देन वन ऑफ माई फ्रेंड शहजाद का कॉल आया था एंड ही सेड कि अगर तुम्हारी डेट्स फ्री है तो फ्री हो, बिकॉज बैक टू बैक मैं शूट पे ही बिजी थी, आई वॉज नॉट इन मुंबई दैट टाइम। तो देन मैं गई जुबैर से मिलने के लिए और देन इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसा ऐसा रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी और ऐसा ऐसे फ्लो में इस ट्रीटमेंट के साथ विल शूट लाइक दिस। जब हम लोग लोकेशन पे पहुँचे तब तक तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हाँ आराम से पहुँच गए हैं, चीज़ें हो रही हैं, बट सरप्राइज ये था कि इतना हैवी रेनफॉल लाइक लिटरली कीचड़ में पैर थे मेरे सबके, इनफैक्ट राइट यू रिमेंबर एग्जैक्टली इतना रेनफॉल के कीचड़ में पैर थे हमारे और हम उस सिचुएशन में शूट कर रहे थे और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी वो, बट फाइनली आउटकम आप सब लोगों ने देखा है एंड दैट इज़ फैब। ये सिर्फ एक किसी का एफर्ट नहीं होता है, ये पूरी टीम का एफर्ट होता है, स्पेशली द कैप्टन ऑफ शिप जो होता है ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कि वो सिचुएशन को देखते हुए, वो सिचुएशन को मैनेज करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाए स्मूथली और इस तरह का आउटपुट दे, दैट इज़ अ ग्रेट। So thank you so much for our director, specially Zubair sir, and thank you so much for everyone.
एंड सारे क्रू को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, ईच एंड एवरीवन हु वाज देयर विद अस, सो थैंक यू सो मच. मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी डिफिकल्टी हो सकती है हमें शूटिंग करने में वो उसी दिन थी. ट्रैफिक वाज देयर, 3 आवर्स लेट, नो कैब वाज देयर, नो ट्रेन वाज वर्किंग, और इतनी ज्यादा तेज बारिश. मतलब एंड आई हैड द ऑप्शन टू कैंसिल द शूट, बट मेरे प्रोडक्शन में है राजन दादा, ही इज ऑल्सो बैकबोन ऑफ सर. तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार ऑलरेडी 9 बजे का कॉल टाइम है और इट्स ऑलरेडी 12 o'clock. यू नो आई लेफ्ट होम अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई कुड नॉट रीच अराउंड 9 o'clock, दैट्स इम्पॉसिबल. तो लाइक ओके व्हाट शुड वी डू, इनसे सर मैं बात करता हूँ, लेट्स डू इट. तो मैंने कहा यू श्योर, लेट्स डू इट. मैंने कहा फिर अगर ही हैज गिवन मी ऑप्शन, शैल आई कैंसिल द शूट. अब मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भाई को भी वापस जाना था नेक्स्ट डे, एंड दैट वॉज वेरी अन वॉट आई वॉज नॉट हैप्पी यू नो इफ आई वुड हैव कैंसिल. बट मैंने कॉल लिया और मैंने बोला कि ऊपर वाले का नाम लेते हैं क्योंकि अब तो क्योंकि गाना इतना पेट्रियोटिक है और देश के लिए कुछ करने का मौका है. तो मैंने कहा यार ऊपर वाला 100% साथ देगा, चाहे बारिश हो नहीं हो, आई विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट. बिकॉज आई डिड रेकी बिफोर, रेकी के टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं था, बारिश नहीं थी, बट उस दिन हो गई थी. तो मैंने कहा ओके लेट्स गो इट, एंड अगर हाथ डाला है तो करके ही निकलेंगे. सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि सब लोग पहुंच गए थे, एक्टर्स एक भी नहीं था सेट पे, सब लोग पहुंच गए थे. मी आई गेस मैम की गाड़ी कुछ गड्ढे में गिर गई थी एंड दे वर एब्सोल्युटली वेरी लेट. वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था एक्चुअली, इन लोगों का गाड़ी का कुछ हो गया था राइट एग्जैक्टली, तो ये बहुत लेट पहुंचे थे और इतनी इतना मतलब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी चीजें. ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक एल्बम, दूसरा एल्बम, तीसरा एल्बम, बैक टू बैक आ रहा एल्बम, क्या है मतलब पैशन है कि लोन बैंक से ज्यादा लोन काम कर मैंने तो घर लिया हुआ था, अभी घर भी चल रहा है. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट सी आई एम वेरी मूडी नाउडेज एंड बिकॉज मैं ऑलरेडी फिल्म्स कर चुका हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ. तो मैं सोचता हूँ कि अभी इन स्पाइट ऑफ सिटिंग एट होम एंड डूइंग टीवी आल्सो, आई प्रेफर के वॉट एवर मेक्स मी हैप्पी आई शुड डू इट. एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज जो भी मैंने डायरेक्शन में हाथ डालने के बाद मैं एज अ डायरेक्टर आई गॉट द रिस्पॉन्स एंड तो दैट्स द थिंग विच हैज किक्ड मी आउट कि यार लेट्स डू दिस थिंग ऑल्सो. बिकॉज यू नो वॉट as a director, as an actor on set, that's the most difficult part, which I admit, but that's the thing which makes me super happy. Because मुझे एक पल के लिए भी time नहीं मिलता है कि मैं घर जाऊँ या मैं because I sit with my editor also, you know, edit पे. तो मुझे I want to keep myself as much as busy I can, so which I am trying. And क्योंकि मैंने last interview में बताया था I lost my dad 6 to 7 months before. And he was my best friend. तो मुझे ना अब थोड़ा थोड़ा उनसे कनेक्शन फील होता है by my work. So I try to give like this and मैं कोशिश यही करूँगा कि चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे रक्षाबंधन आ रहा है, वो हो, इंडिपेंडेंस डे, एवरी फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल सेलिब्रेट विद द सॉन्ग. दैट इज माई गोल. राखी पे गाना और है आपका धड़के दिल बार बार क्या है उसकी चर्चा. जी धड़के दिल बार बार राजीव वालिया की फिल्म है. इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग एंटिग्नस्ट इन द फिल्म, जिसमें समीक्षा भट्ट नागर हैं, अर्पित नागर हैं, एरिका विलियम्स हैं, और बहुत बड़ी स्केल पर फिल्म शूट है. जॉनी लाल थे DOP जो गुजर गए हैं, उन्होंने शूट की थी फिल्म. सो आई शॉट द होल फिल्म बिफोर पेंडेमिक एंड नाउ इट्स गेटिंग रिलीज इन थिएटर्स. तो टाइम्स हैज टेकन द फिल्म, टाइम्स क्लासिक पे उसके ट्रेलर भी आ रहे हैं. तो आई एम फॉर्चुनेट ये शायद इस मंथ के लास्ट वीक में या जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा इट इज़ कमिंग इन थिएटर्स. तो ये है और नया आए थे जस्टिस Z5 पे आ रही है, एक है प्यार के काबिल वो हॉटस्टार पे आ रही है. सो उसके अलावा 3 और फिल्म्स हैं, मोटल है, फेटल है, डैम रिवेड है. तो फिल्म्स तो आ ही रही हैं, तो आई फील लाइक एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर व्हाट मोर आई कैन डू, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ओके करवा कहाँ जाके रुकने वाला? ये तो बस कश्ती निकल गई है और एक धुन सवार हो गई है मुझे. तो फिल्म भी किनारे सर कोई फिल्म डायरेक्शन भी करने वाले हो सकते आने आगे? जी जी मैं प्यार में कुर्बान जो एक फिल्म है जो ऑलरेडी इसका टीजर आउट हुआ था, हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका एक और शेड्यूल बाकी है एंड एक शेड्यूल उसका हो चुका है हम लोगों का. इट्स अ हेवी एक्शन सीक्वेंस तो इट इज टेकिंग टाइम, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उसको फिनिश कर दूंगा और इसी साल कोशिश करूंगा कि रिलीज पे लेके आऊं. अच्छा और जो भी होगा क्योंकि जुबैर के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, वो
और जो लास्ट सीन था जिसमें जुबेर को गोली लगी, आई वॉज रियली क्राइंग, यू कैन आस्क एनी क्राइम, एवरी वन यूजिंग आई ड्रॉप्स टू शो देयर ट्रैप, बट आई वॉज द ओनली वन, आई वॉज एक्चुअली क्राइंग सीइंग हिम डाइंग, हालांकि वो एक्टिंग थी, बट आई कुड फील दैट मेरा भाई है तकलीफ में, तो सब ये हैरान थे कि ऐसा कोई सचमुच कैसे हो सकता. जुबेर ने एक बात कही कि इसको धुन है तो एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं मेंशन करता हूँ. ऐसे इसको धुन है कि ये कुछ खा भी नहीं रहा था, डिनर के टाइम में शायद 2 या 3 बार गया जुबेर कुछ तो खा लो, बट ही वॉज समवेयर, इस दुनिया में नहीं था ये माइंड इसका प्रेजेंट. और जब इसने अपने शूज़ निकाले थे आफ्टर द रेप, वो आप बताना भूल गए तो मैं मेंशन करता हूँ. सो इसके जो बताएं आप, मैंने स्टोरी डाली थी यार, तो इसके फूट के जो कंडीशन थी, कोई भी देख के घबरा जाता कि या तो इसको किसी ने 3rd degree टॉर्चर दिया होगा या इसने माउंट एवरेस्ट पूरा एक ही दिन में क्लाइम करा होगा. इसके जो हालत थे पैर के जो जूते निकालने के बाद, वो इट वाज मिजरेबल. और उनके फेस पे कभी नहीं हो रहा है, हाँ, तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई इसको एक बहुत ज़्यादा धुन है. और यही चीज़ है जो इसको जैसे बता रहा है कि खुदा भी साथ हो जाता है, हर चीज़ खिलाफ थी, गाड़ी पंचर हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक्टर बीमार था, बारिश थी, हाई अलर्ट था, बट प्रोडक्ट आपके सामने. जुबेर जी, एक शॉट के लिए आप आए, जैसे दत्ता जी ने कहा कि एक्टर जो होता है हंग्री होता है, भूखा होता है जी, सो वो शॉट के बारे में बताएं कैसे. देखिए, पहले तो व्हेन आई वाज सुपर ऑक्यूपाइड व्हाइल डायरेक्टिंग, क्योंकि फिर इमरान भाई का भी कंसर्न था यार कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे. मैंने कहा यार सी दैट्स द स्टोरी हैज ऑलरेडी रिलीज इन डायरेक्टर्स माइंड, तो मुझे बहुत क्लियर था, बट आई वॉज नॉट टेकिंग द कमांड एज एन एक्टर. क्योंकि क्या होता है कि जब मैं whenever I wear clothes, I try to wear the character. ये मैं खुलासा कर रहा हूँ. तो तब तक मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, एंड आई वॉज अवॉइडिंग टू वेयर दिस जर्सी विच इज़ प्रिविलेज टू मी दैट आई एम स्टिल वेयरिंग इट. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब मैं सोचता हूँ, बट फिर मैंने जब ये कपड़े पहने, देन आई गॉट दैट फील. एंड बिकॉज क्या होता है, जब आप आई ऑलवेज बिलीव इन एक्शन रिएक्शन, एक्टिंग इज ऑल अबाउट दैट. एंड बिकॉज हमने एक दिन वर्कशॉप भी की थी इस गाने की, जैसे मैं हर गाने में मोस्टली कर रहा हूँ, तो भाई के इमोशन बहुत स्ट्रांग थे मेरे लिए उस वक्त. एंड मेरे लिए जब मैं ऑलरेडी ऑन कैमरा गया एंड प्राची सेट एक्शन, देन वो मेरा एक्शन रिएक्शन था. एंड उसके अलावा मैं ऑलवेज ट्राई कि यार कुछ ऐसा करूं कि बिकॉज एज एन एक्टर आई एम एन एक्टर फर्स्ट, राइट, देन अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड व्हाटएवर. बट तो इसलिए इस एक्टर की जो भूख है ना, जो पलाश टोल्ड मी दिस थिंग अभी बैक ऑफ कैमरा, दैट वन सीन यू डिड एंड दैट इज द बेस्टेस्ट सीन अभी तक हम दोनों के बीच का. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड एंड हैप्पी दैट इट वर्क. और 15 अगस्त आ रहा है, इसके प्रमोशन के लिए कहाँ कहाँ क्या तैयारी कुछ किया है? सी, ऑडियो तो अभी तक रिलीज हो चुका है, एंड सी वी आर प्लानिंग के दैट्स द रीजन कि हम लोगों ने 12th को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बिकॉज 3 days वी गॉट टू प्रमोट द होल सॉन्ग ऑल्सो. एंड आई ट्राई के अभी इमरान भाई वॉज टेलिंग मी इन हिज होम टाउन भोपाल में ही इज गोइंग इन वन बिग इवेंट ऑल्सो, एंड देयर इज द चीफ गेस्ट ओवर देयर. भोपाल का जो सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी ऑफ जेमे फिटनेस हेडक्वार्टर्स, दे आर कंडक्टिंग वन प्रोग्राम ऑफ August with the collaboration of government, MP government sports. So they invited me as a chief guest. I will be hosting the flag. So ये गाना वहाँ play होगा, दिखाया जाएगा. Even जो मेरा दूसरा घर है ओमान मस्कट, तो वहाँ पे इनके जितने ब्लॉगर्स ग्रुप हैं ऑलरेडी उन्होंने रील्स बनाना आज शुरू कर दिए, मैंने जुबेर से शेयर करा. तो इंडिया और इंडिया के बाहर ऑलरेडी प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट ग्रेड से. Because see, it's a patriotic song, and every film, whatever we see, even recently I've seen, because I'm Shahrukh's fan, and Pathan mein bhi ek wo ek instinct hai, and every actor is, it's a privilege to do something for nation, and main ye mauka to kabhi chhodne wala hu nahi, to isliye mujhe bahut zyada khushi hai ki is gaane ka main part bana, to isliye maine kaha ek scene hai to I'll do it, but at least it will get promoted and it's for nation. Yeah, जिम्मेदारी मिला
दोस्त आ हेले You know this song. I want to tell everyone that this song has one thing, which is unity is diversity, which I've heard. And you know what? ये मेरा मोटे बहुत ज़्यादा था. Because all those things which is happening in nation, because of caste, religion, anything, which is spoiling the unity of every individual and every Indian. उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कि ये चीज़ मैं सबको दिखाऊं कि वी आर ह्यूमन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट, देन ओनली एवरी वन इज़ इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर ओन रिलीजन. ये चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि इंडिया जो है एक नेशन है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम सभी लोग एक ही खून से बने हैं और एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं. That's what I tried, and यही चीज़ हम लोगों के बीच में, इमरान भाई मेरे बीच में बहुत डिस्कस हुआ था कि whom to cast and what ingredients we have to take and inbuilt in the song, you know. तो this is the basic motive मेरा कि जो हमारा lack हो रहा था कि unity we have to show that India is one for everyone. Thank you, thank you, और Zubair ये क्या हो क्या रहे जी, मतलब क्या हो क्या रहे, back to back इतने सारे releases in the last 2 months. I think this is my 5th occasion I'm coming, और हर एक event, हर एक music videos with a social message, which is very commendable. और वो वेतन वे जो है ये actually इंडिपेंडेंस डे के लिए है, और इससे बढ़िया आई थिंक और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सिनेमा के माध्यम के थ्रू, म्यूजिक वीडियो के थ्रू आप एक स्टोरी पिरोते हो, और वो स्टोरी आपके दिल तक छूता है, और वो एक मैसेज कन्वे करता है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है. एंड मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुबैर क्यों नहीं है, बट इमरान डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज फ्रॉम अ कास्टिंग परस्पेक्टिव, आई मीन ऑफकोर्स ही वॉज देयर इन दिस प्रीवियस एल्बम, उसने बढ़िया काम किया था, बट इसमें जो आर्मी ऑफिसर का काम किया है, ही प्लेड इट सो ऑनेस्टली वेल, सो ऑनेस्टली वेल. वाकई में लग रहा था कि बंदा आर्मी ऑफिसर है और अपने देश के लिए कुर्बान कर रहा है और वतन के लिए कुर्बान कर रहा है. बीवी, यू ऑल्सो डिड अ फैबुलस जॉब. द इमोशंस, अगर वो कह रही थी कि आंखों में इन्फेक्शन था, आई थिंक वो वाकई में काम कर गया इस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो के लिए, क्योंकि वो आंखें नम थी, और वो नमी जो है आंखों में, वो बिल्कुल यू नो प्रोजेक्ट हो रहा था कैमरा पे. सो एंड जुबैर, जो एक सीन था वो इतना इम्पैक्टफुल था, आई वॉज एक्चुअली मिसिंग मैं उसके, मतलब अभी आएगा शायद जुबैर, अभी आएगा जुबैर, एंड सडनली ही कम्स एंड ही falls dead on screen with that bullet shot, and it was so impactful, so impactful. Or I think जैसे सुभाष जी हर एक फिल्म में अपना एक छाप छोड़ जाते हैं, सुभाष घाई जी, वैसे जुबैर आई एम श्योर भूखा है, हंगरी है टू कम एंड अपियर इन एवरी फ्रेम, विच इज वेरी गुड बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर हिमसेल्फ. और जुबैर, आई विश दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, स्पेशली इट्स अ सॉन्ग for unity, as you rightly said, one nation and one you know one common unity against amongst people, which really is the motto of the music video, which really reaches out there to all the audiences, and inshallah it will reach through this music video. And as Imran is going to you know promote this song in his hometown in Bhopal, right. Which is a very good thing, I feel. So all the very best to all of y'all, and hope it reaches millions and millions of views, and you know that's my wishes to y'all. Thank you so much. Thank you. 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 Thank कभी टायर पंचर हो जा रहा था, कभी हम लोग आते समय ब्लास्ट हो गए टायर ही हमारे रास्ते में. एक्टर, दोनों एक्टर हमारे साथ थे, तो हमारे जो माँ का जो कैरेक्टर गए थे इनकी, तो वो भी फंस गए थे. सब लोग, हम लोग मतलब सब पहले पहुँच गए सेट पे. बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे मीरा रोड में, तो इमरान भाई मैं तो अच्छे से गए वहाँ पहुँचे, और ये हमारे इनाम भाई. थैंक यू शायद भाई. सो जैसा कि शायद भाई ने बोला,
कंज्यूमर से बोलिए, आज़ादी के बहुत बहुत मुबारकबाद एंड गाना देखा मैंने और गाया भी बहुत अच्छा है जो सिंगर है एंड आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। फर्स्ट टाइम सुना, मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि जब गाना स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा था, म्यूज़िक एंड ऑल वीडियो एंड आपकी कास्टिंग एंड आप सब लोग एंड खैर मैं तो ये कहना चाहूँगा मैंने तो उस गाने में कुछ नहीं किया है बट फिर भी आपको बताना तो सही है। मैंने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग किया है साजिश, अगर आपको पता है सुम्बुल तौकीर एंड सुमित मुतकलकर, तो वो भी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो शहजाद भाई का यही कहना था कि मैं साजिश के बारे में बताऊँ एंड इस गाने के बारे में बताऊँ, सो मेरा तो यही फीडबैक है कि बहुत अच्छा गाना है एंड ये इस 15 अगस्त पर ट्रेंडिंग पर तो जाना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनु राजीव है एंड आई एम द म्यूजिक कंपोजर फॉर दिस सॉन्ग एंड ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग बना है और एक दिन अचानक सुबह जुबैर भाई ने फ़ोन किया, बोला कि इंडिपेंडेंस डे गाना बनाना है, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, अगर वो नहीं बोलते तो शायद ये गाने बनते ही नहीं। सो एंड देन आई आस्क्ड करण जी टू राइट द सॉन्ग, एक नेक्स्ट फ्यू डेज में उन्होंने गाना बना के दिया, फिर हमने टू एंड फ्रो हुआ, देन जुबैर भाई ने इसको वंडरफुली शूट किया, आई डिडंट एक्सपेक्ट सच अ ग्रेट रिजल्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम, बट जो मैं सुन रहा था यहाँ पे जितनी हर्डल्स इन्होंने ये किया, दिस इज़ वंडरफुली डन एंड आई होप दिस सॉन्ग बिकम्स लाइक ही सेड ट्रेंडिंग हो जाएँ और एंड आई मैं उम्मीद करता हूँ और बहुत सारे गाने आप बनाते जाएँ। करण जी बताएंगे कैसे। जी नमस्कार, मेरा नाम करण मस्ताना है और सबसे पहले तो मैं जो अपनी टीम है, जो हमारे जो भाई की टीम है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए सबको शुक्रिया धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जैसा कि मैं इससे पहले मैं संदीप भैया और कॉलेज रोमांस के गेस्ट गाने करने के बाद मैं फ्री हुआ ही था, तब तक मनु सर का कॉल आया कि भाई एक गाना करना है 15 अगस्त का, तो कुछ अच्छा सा सोची। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए हमने बचपन से लेकर आज तक इस मिट्टी से जो हमारा जुड़ाव रहता है, फिर हम जो भी बने हैं कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारा समाज और हमारे परिवार वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे भी लगा यार कुछ अच्छा करना चाहिए और इवन मैंने फिर उसी दिन जस्ट मनोज को एक लिरिक्स भेजा, फिर सेकेंड डे एक और भेजा कि आप इसको देखिए, फिर उन्होंने उसको अच्छे से देख के अच्छे से कंपोज करके फिर जुबैर भाई को भेजा गया, उनको बहुत अच्छा लगा टाइटल और फिर हमने इस गाने को बहुत अच्छे से फिर आगे बनाया, डब आउट किया और फिर आज आपके सामने गाना सामने है। तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है और देखने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी इस गाने को प्यार दें, इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी सर, आप कहेंगे सर। मेरा नाम अंकित है और ये मेरा जुबैर सर के साथ में 6th कोलैबोरेशन है और गाने के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, हमारी जो क्रिएटिव डायरेक्टर है उन्होंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ये गाना है वो एक टीम वर्क है, बट इसको टीम वर्क कहना तो थोड़ा गलत होगा क्योंकि जिस तरह के कंडीशन में शूट हुआ था, अगर जुबैर जी का विजन उस चीज़ के पीछे नहीं होता तो शायद ये इतनी जल्दी तो एटलीस्ट रिलीज़ नहीं हो पाता, क्योंकि पिछले 15 दिनों में आपने देखा किस तरह की सिचुएशन थी और बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशन में ये गाना शूट हुआ है और उन्होंने डायरेक्शन से लेके एडिट से लेके राइटिंग सारी चीज़ें खुद ही सुपरवाइज करी है, तो टीम वर्क से ज़्यादा कह सकते हैं कि पूरा उनका अकेले का एक एफर्ट है करके।